subscribe and press the bell icon for more updates. हेलो घनश्याम गुप्ता जी, कैसे हैं जी? शुक्रिया, हम भी अच्छे हैं जी। अच्छा सुनिए, ये 3 महीने पहले आपने क्रेडिट पे 2 लाख रुपए का माल लिया था जी। जनाब देखिए, अब 6 महीने हो गए हैं लेकिन आपने एक पैसा भी वापस नहीं किया। ये क्या मतलब, पैसे नहीं देंगे क्या? मतलब पैसे आपके पास है ही नहीं? देखे जनाब, अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने पैसे नहीं दिए ना तो अच्छा नहीं होगा, हम देख लेंगे आपको। ये तो बहुत गंदी गाली दे रहा है। अल्लाह, ला कच्चा बनियान खरीदते वक्त तो कैसे गिड़गिड़ा रहा था और आपका मगर आंखें दिखा रहा है। अच्छे आई चाय पीजिए और अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। हाँ, अब इसे काहे इतना आइसक्रीम कर रहे थे? हाँ, वो आइसक्रीम नहीं, स्क्रीम होता है पगली। सही पकड़े हैं, अब क्या हुआ? अरे तुम्हें बता भी देंगे तो तुम क्या कर लोगी हैं? तो जाओ, तुम इन चक्करों में मत छोड़ो, जाओ। हाँ वो बात भी ठीक है। और ठीक बात, हमको ना आपसे ना बहुत जरूरी बात करना है। क्या बात करना? वो अपना टीका है ना? अपना टीका? बखत टीका अपना कब से हो गया? अदिया, हमरा मत बोले कि वो मोहल्ले का टीका। हाँ, तो क्या हो गया उसको? अपन नीची बोले हैं कि उसका मुंडन करना है। तो तुम क्या चाहती हो कि हम उस तरह लेके उसका मुंडन कर दें? अल्लाह ठीक है भैया, ऐसा क्या बोलते हैं आप? कहा बताए आपको, बहुत दुख भरा कहानी है। उन्हें अपना कुंडली जो टीका है ना, अपना कुंडली पंडित रामकल को दिखाए रहे तो पंडित रामकल बोले हैं कि अगर उनका मुंडन पूरे विधि विधान से ना हुआ ना तो टैब हो जाएगा। करवा देना अपना मुंडन, तुम हमें क्या बीच में घसीट रही हो? अब क्योंकि पंडित राम भले ही बोले हैं कि उनका मुंडन पूरे विधि विधान के साथ करना है और उस सारे रस्म रिवाज जो है ना उनके भैया और भाभी करेंगे। तो उनके भैया भाभी तो है ना आई? तो हमारे पास आया रहा, हमसे बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमारे भैया भाभी बन जाइए। ये वही टीका है ना जिसने अपनी शादी के वक्त हमें अपना भाई बनाया था और हमारा घर जो है उस औरत के नाम कर दिया था। लेकिन तुम्हारा गुस्सा जानते नहीं हो? हमने बात तो सुनी ना। अम्मा जी को कॉल कर देते हैं। हेलो करो, करो अम्मा जी को कॉल करो। अम्मा डैडी कुत्ता सबको फोन करो, जाते नहीं है उनसे। गुप्ता जी ने मन बना लिया। हेलो गुप्ता जी, इस बार तो और भी गंदी गाली दे दिया वे। ये कड़क सी चाय मिला दे, कसम से कह रही हूँ बड़ा तगड़ा दर्द हो रहा है सर में यार। सारा पीछे हो जा, शराब के भक्के आ रहे थे मुंह से, कत्ती का भी पार्टी ना सारा कुछ ज्यादा खींचो। अबे बावले है ना, तो लिमिट ना देखी जावे। और तू तो बड़ा भोला बननी है, बड़ा भोला बननी है साले। कम से कम एक बोतल तो तू भी खींच गया था। अरे बोतल मैं खींची यार, फिर 1.5 बोतल खींची साले, 1.5 बोतल खींची। अबे खींची तो मुझसे ज्यादा, मैं तो फोन बोतल में टून हो गया था यार। ऐसी वैसी कोई बात ना सेठ जी, बस हम तो यही हिसाब लगा रहे थे कि टीका के मुंडन के पूरे ग्राम में हम कितनी पी गए। सारों की तरह पिया कर रहे हैं, सारों की तरह पिया कर रहे हैं।
मतलब ऐसे बजे जैसे रात की कोई सुबह ही नहीं। अब भैया जी हमने शराब खत्म ना करी, एक बोतल तो वो निछावर हप्पू सिंह है ना, वो डकार दो पूरी। अब तुम्हारा दोस्त ना है, क्या नाम है उसका, प्रेम, मेरे सामने दो बोतल खींच गया वो, उसका कुछ ना। अरे टल्ली टिल्लू, वो तेरा सेठ है ना, अच्छा परियन, जैसा खुद घटिया है वैसे पार्टी में भी उसने घटिया शराबी रखी थी। मेरा तो एक पैक पीते ही मुंह का जाकर बिगड़ गया, कोठे पर गया वहां एक अच्छी सी लगा दी, तब जाकर कहीं मेरा मूड बन गया। भगवती जी हमारे 35,000 रुपए दिखाई, और तुम 6 महीने की तनख्वाह निकालो। 35,000 किस खुशी में, उस लौंडे के मुंडन के चक्कर में हमारे 70,000 रुपए खर्च हुए हैं, तो 35,000 तो दीजिए हमें तुम। मैं उस लौंडे के मुंडन के चक्कर में 35,000 क्यों दूं आपको यार? I don't like his face, I don't know him, I mean he is nothing to me, I hate him, gorilla. तो हमारा कौन सा लल्ला हो रखा है वो, हमारा कुछ लेना देना नहीं है उससे। तो जब आपका लेना देना नहीं है उससे, तो आपने पैसे क्यों खर्च किए उस पे? वेरी स्टूपिड ऑफ यू, बहुत बेवकूफ है आप तो फिर। अब बड़े बड़ा अजीब सा आदमी, मतलब आपका लेना देना नहीं किसी से, मतलब इतने पैसा खर्च कर तो वो भाभी जी के चक्कर में खर्च किए। अगर भाभी जी आपसे कहेंगे कि आप कुएं में कूद जाएं, अरे यार वो फालतू बकवास बंद कीजिए, भाभी जी ने हमसे कहा था कि भभूति जी अपना शेयर देंगे तो दीजिए। ये विभूतिया कहां से शेयर करेगा, इसकी चेन पे तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। क्या वो सब हम नहीं जानते, आप कुछ भी कीजिए, अपना जिस बेजिए धंधा की पता कुछ भी कीजिए, हमें हमारे पैसे दीजिए बस। एक्सक्यूज मी What did you say just now? आपने क्या कहा अभी? मतलब कुछ भी करिए, मैं अपना जिस्म बेचूंगा। You think I'll sell my body? Excuse me, my body is gold, right? हाँ, चलो माल बेचने को तैयार भी हो गए तो खरीदेगा कौन? इनके जिस्म पे गोश है का हड्डी हड्डी है। अरे भैया इनमें तो पाया भी नहीं दिखेगा। कानपुर इलाहाबाद एक्सप्रेस में बोगी नंबर 7 में आतंकवादियों ने बम फिट कर दिया है साहब, उनको बचाइए। लगता है दोनों कोटे पर ही हैं। एक काम करो, तुम दोनों कोटे पर जाकर फॉर्म के लिए ओके, और फिर सुरेंगे हॉस्पिटल जा। पहले वाले हमने सीन में देखा कि अमर भाभी के ऊपर काफी चिल्ला देता है, भड़क जाता है बेडरूम में, कुछ मुंडन की बात हो रही है उसके बारे में। नहीं वो क्या है कि जब भी कोई घटना होती है मॉडर्न कॉलोनी में तो पैसे के लिए जो सब तिवारी की तरफ देखते हैं, क्योंकि भभूति जी तो कुछ करते धरते हैं नहीं, उनके पास 5 पैसे नहीं होते। बाकी ये जितने लड़के हैं ये मावरागर किस्म के हैं, आपने देखे शराबी कबाबी टाइप के हैं, तो इनकी नज़र मेरे ऊपर ही जाती है कि कच्चे बनियान का धंधा करता है, तो इसके पास कुछ तो होगा और हमारी इज्जत भी है। तो पैसे खर्च करने की बात आ रही है, ऑलरेडी 50,000 खर्च कर चुके हैं, वो कह रही है कि 20,000 और खर्च होंगे, तब ये 70,000 का फटका हमें लगने वाला है। तो उसके बाद हमने देखा है कि अभी टीवी स्टॉल पर आपको काफ़ी एक शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है कि ट्रेन में बॉम्ब है। जी हाँ, वो क्या है कि वो उसके जो मुंडन किया है इसका, तो वो उसको केश सिराने अपना जा रहे हैं अपना, तो नदी में कहीं अच्छी नदी, तो वहाँ पर जो है पता चलता है कि
बोगी नंबर 7 में बम है, तो अब इसमें आगे जो है वो रोमांच पैदा होगा, एक्शन पैदा होगा, मतलब पहली बार एक ऐसी स्टोरी है जिसमें हम जो है पूरी तरह से हीरो बन के निकलेंगे। तिवारी जी हीरो बन के हमें दिखाई देंगे जी। चलिए थैंक यू सो मच। कैसे बम को निकाला जाएगा, कैसे जो, और फिर अंत तो जो होगा सो होगा, लेकिन बम तो मतलब फेंक ही दिया जाएगा निकाल के। ओके थैंक यू सो मच।